ब्रजभूषण ने ठुकराया भाजपा का ये प्रस्ताव। इस सीट पर फंसा पेच, अब पार्टी को कोर्ट के फैसले का इंतजार। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्माने के साथ ही लोगों की निगाहें अब शेष 12 सीटों के भाजपा उम्मीदवारों पर टिकी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से उलझी हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा के शेष सभी उम्मीदवारों की सूची अब रामनवमी के बाद ही जारी होगी। भाजपा नेतृत्व शेष बची सभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करना चाहता है, पर कैसरगंज सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस सीट से सांसद ब्रजभूषण हर हाल में चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, पर महिला पहलवानों से हुए विवाद को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी सदस्य या उनके सुझाव पर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने को तैयार है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि ब्रजभूषण को टिकट दिया गया तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा। सूत्रों के अनुसार ब्रजभूषण के हट को देखते हुए भाजपा नेतृत्व अब MP MLA कोर्ट दिल्ली के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रजभूषण के एक मामले में अंतिम सुनवाई होने वाली है, संभव है कि इसी दिन फैसला भी आ जाए। इसीलिए नेतृत्व ने तय किया है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सभी 12 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बेटे या पत्नी को टिकट देना चाहती है भाजपा। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने ब्रजभूषण की पत्नी या बेटे प्रतीक भूषण में किसी एक को टिकट देने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल ब्रजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है और उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इन सीटों पर तय होने हैं उम्मीदवार। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं उनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछलीशहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज शामिल हैं। विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी भी साथ घोषित होंगे। लोकसभा की 12 सीटों के उम्मीदवारों की सूची के साथ ही उन 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की भी सूची जारी होगी जिन पर उपचुनाव होने हैं। इनमें लखनऊ, पूरब, ददरौल, शाहजहांपुर, गौसड़ी, बलरामपुर और दूधी सोनभद्र शामिल हैं। इनमें 3 सीटों पर भाजपा जीती थी, जबकि गैसड़ी में सपा लखनऊ पूर्व सीट विधायक आशुतोष टंडन और ददरौल विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन की वजह से खाली हुई है, जबकि एक मामले में सजा के बाद भाजपा विधायक रहे राम दुलार गौड़ को आरोग्य करार दिए जाने की वजह से दूधी सीट खाली हुई है। लखनऊ पूर्वी सीट को लेकर सबसे अधिक उलझन। उपचुनाव वाले 4 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग तय है, सिर्फ लखनऊ पूर्व सीट को लेकर मामला फंसा है। इस सीट पर आशुतोष टंडन के छोटे भाई अमित टंडन चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कई और लोगों ने भी दावेदारी कर रखी है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहमति के बाद ही किसी का नाम तय होगा। वहीं ददरौल सीट से स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह के बेटे अजय सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। गैसड़ी सीट की बात करें तो यहां से पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू और दूधी सीट पर विधायक रहे राम दुलार गौड़ के बेटे को टिकट दिया जाना पक्का माना जा रहा है। लोकसभा के साथ ही होंगे उपचुनाव। ददरौल सीट पर चौथे चरण में 13 मई को, लखनऊ पूर्व सीट पर 5वें चरण में 20 मई को, गैसड़ी सीट पर 6वें चरण में 25 मई को और दूधी सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा।